हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर में स्टार्ट करते हैं विद होमवर्क क्वेश्चन। मैंने दो होमवर्क क्वेश्चन तुम लोगों को दिए थे, ठीक है ना, बेस्ड ऑन साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो उसमें पहला क्वेश्चन था हमारा, मैं लिख लेता हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ, जस्ट डाटा लिखूंगा। तुम लोगों के पास है वो क्वेश्चन। द क्वेश्चन क्या था कि एक क्वाड्रेटिक थी और उसमें हमारा एक पैरामीटर ए इन्वॉल्व था, -2ax +a+1, और उसने बोला था कि दिस इज ग्रेटर देन जीरो For all x belongs to real number, ठीक है? We have to find a such that कि इस quadrat, ये जो quadratic expression लिखा है, that is greater than zero for all x belongs to R. तो इसका start करते हैं discussion. देखो, जो भी मैंने question लिखा था, उसमें quadratic word use नहीं किया था। अभी मैंने बोला था कि quadratic word, but जब मैंने question लिखवाया था, ऐसे लिखा था कि find a, find small a if this is greater than zero for all x belongs to R. ठीक है, अब देखना इसका एनालिसिस हम दो तरीके से करेंगे, एक तो इसको क्वाड्रेटिक मान के और एक विदाउट क्वाड्रेटिक। तो याद है मैंने जब हमारा क्वाड्रेटिक चैप्टर स्टार्ट हुआ था या सेकंड या थर्ड लेक्चर में, मैंने बोला था जब तक वो स्पेसिफाई ना करे कोई इक्वेशन तब तक हम उसको क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे। अगर उसने क्वाड्रेटिक वर्ड यूज किया तब तो हम उसको क्वाड्रेटिक की तरह ही ट्रीट करेंगे, बट अगर उसने क्वाड्रेटिक वर्ड यूज नहीं किया देन आई विल ट्रीट इट एज, क्या करेंगे हम दो तरीके से करेंगे, क्या करेंगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक बार जीरो करके देखेंगे तो हमारा लीनियर बनेगा, उस वैसे एनालिसिस करेंगे, एंड सेकंड इज बाय ट्रीटिंग इट एज अ क्वाड्रेटिक। तो लेट्स से कि मैंने पहले विदाउट क्वाड्रेटिक इसको ट्रीट किया। विदाउट क्वाड्रेटिक मतलब ये क्वाड्रेटिक कब नहीं होगा, व्हेन ए इज -1, तो मैंने लिखा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, तो इससे मेरा आया केस 1, मैंने लिखा ए प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्या कर रहा हूं मैं, आई एम एनालाइजिंग दिस फॉर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बीइंग 0। जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं होगा तब तो हम क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट करेंगे। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटी ना, दो ही चीज हो सकती है, या तो ये जीरो होगा या नहीं होगा। मैंने बोला लेट्स से केस 1 इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, तो इधर से आया मेरा a इक्वल्स टू -1, ठीक है। अच्छा, अब इस इनइक्वालिटी मैंने रख दिया, देखते हैं क्या आता है। तो इसमें जब मैं रखूंगा तो ये तो 0 हो गया, तो -2 * -1 * x प्लस -1 प्लस 1 ग्रेटर देन 0। देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, बहुत एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन लिख रहा हूं मैं, देखना पहले ये तो कैंसिल हो गया, हियर यू विल गेट 2x ग्रेटर देन 0 मतलब x ग्रेटर देन 0। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या करें मैथमेटिकली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। अब देखना मैं इसको कैसे रीड कर रहा हूं, मैंने बोला फॉर a इक्वल्स टू -1 ये एक्सप्रेशन आया हमारा। अब मैं इसको रीड करके क्या करूंगा कि क्या ये x ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सुनना मैं क्या बोला, ध्यान से, थोड़ा सा कंफ्यूज लगता है बच्चों को। मैंने बोला क्या x ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तब तो मैं a की -1 जो वैल्यू है वो एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। दोबारा एक बार मैंने बोला क्या x ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब मैं x कुछ भी रखूं क्या x ग्रेटर देन 0 आएगा, नहीं आएगा, ऑफ कोर्स नहीं आएगा, बिकॉज अगर x नेगेटिव रखा तो जैसे -1 रखा तो -1 ग्रेटर देन 0 व्हिच इज रॉन्ग। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन था वो ये लिखा है बेसिकली फॉर a इक्वल्स टू -1। मैंने बोला a इक्वल्स टू -1 के लिए ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा है दैट रिड्यूसेस टू दिस x ग्रेटर देन 0, और मुझे बोला कि ये बड़ा सा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर ऑल x टू रियल नंबर, उसके करस्पॉन्डिंग a की वैल्यू निकालनी है। तो a इक्वल टू -1 मैं क्या करूंगा, इधर रिजेक्ट करूंगा, व्हाई, बिकॉज दिस इज फॉल्स, दिस इज, ऐसे लिख लो, दिस इज फॉल्स, this is false, therefore a equals to -1 is rejected. clear हुआ, एक बार read करके बताता हूं क्या बोलूंगा मैं। x, क्या x greater than 0 है सभी x के लिए, नहीं। अगर मान लो, जैसे मान लो instead of इसको solve करके अगर मान लो ऐसा आ जाता मेरा x square plus 1 greater than 0, तो अब सुनना, मान लो मैंने मान लिया, अभी आ नहीं रहा है बट एक मिनट के लिए मान लिया कि a equals to -1 रखने पे मान लो इस टाइप का कोई चीज आ जाती, मान लिया एक मिनट के लिए हाइपोथेटिकल, तो क्या ये ट्रू है, हाँ दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, तब मैं क्या करता है a इज इक्वल टू -1 एक्सेप्ट कर लेता, a इज इक्वल टू -1 इज आल्सो माय सॉल्यूशन, बिकॉज -1 इसमें रखने पे वो सेटिस्फाई कर रहा है, बट a इक्वल टू -1 रखने में ये आ रहा है और ये बोल रहा है कि ये चीज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए सभी x के लिए, विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, हेंस a इक्वल टू -1 इज रिजेक्टेड। क्लियर हुआ, अच्छा तो वीडियो पॉज करो, पहले केस 1 को कॉपी कर लो। अब आते हैं एक्चुअल क्वाड्रेटिक पे, तो अब मैं लिखूंगा सेकंड केस, देखना ध्यान से, मैं इसको रब कर रहा हूं, मैंने बोला a इक्वल टू -1 तो रिजेक्ट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज केस 2,
हमारा x इज नॉट इक्वल्स टू माइनस वन. अगर माइनस वन नहीं है x, सॉरी a, a अगर माइनस वन नहीं है तब मेरा ये क्वाड्रेटिक होगा, बिकॉज x स्क्वायर का क्वेश्चन क्या है, नॉन लाइक जीरो नहीं है, सो दिस वी विल ट्रीट इट एज अ क्वाड्रेटिक. अब मैं इसको लिख लेता हूँ, मैंने लिखा a प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस ए प्लस वन ग्रेटर देन जीरो. अच्छा अब क्या बोल रहा है ये क्वाड्रेटिक है. अच्छा क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर. क्वाड्रेटिक अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या बोलेंगे, इसका जो ग्राफ है दैट विल बी टोटली अबव एक्स एक्सिस. दैट मीन्स दिस इज द सिनेरियो, दिस इज द ओनली सिनेरियो पॉसिबल. क्या बोला मैं, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए सभी एक्स के लिए. दैट मीन्स इसका जो ग्राफ है दैट विल बी अबव एक्स एक्सिस. अब इसके लिए तो हमें कंडीशन पता है, इसके लिए क्या होता है, एक तो अपवर्ड है पैराबोला, डाउनवर्ड तो हो नहीं सकता, एक तो ये अपवर्ड है, तो कोफिश ए इज ग्रेटर देन जीरो. ए से मेरा मतलब क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वेयर हियर ए विल बी ए प्लस वन. मैंने बोला दिस इज व्हाट, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, नॉट इन दिस क्वेश्चन, स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो हम लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, उसमें कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन जीरो, एंड ऑल्सो डिस्क्रिमिनेंट दैट इज डी शुड बी लेस देन जीरो. वो सारे ए जो इसको भी सेटिस्फाई करें और इसको भी सेटिस्फाई करें वो मेरा एक्सेप्टेबल होगा. क्या मतलब क्या हुआ, इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों में जो कॉमन वैल्यूज आएंगी दैट इज माय आंसर, दैट मींस इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू इनइक्वालिटीज. क्लियर है, चलो तो अब देखते हैं. तो ए के करस्पॉन्डिंग मेरा क्या आया था, एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन ए प्लस वन, तो पहला तो बना ए प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, तो इससे मेरा आया ए ग्रेटर देन माइनस वन, तो दिस इज माय इनइक्वालिटी वन के करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन. अब मैं डी लेस देन जीरो करूंगा, ठीक है, तो मैं वीडियो पॉज करके पहले इसको चलो नीचे लिख देता हूं मैं. डी मतलब मेरा क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी स्क्वायर की जगह क्या आएगा, माइनस टू ए का स्क्वायर, तो विच इज टू ए का फोर ए स्क्वायर, फोर ए स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी, ए हेयर इज ए प्लस वन, तो ये हो गया ए प्लस वन इंटू सी, सी हेयर इज अगेन ए प्लस वन, ए प्लस वन, दिस शुड बी लेस देन जीरो. D less than 0 होगा तो क्या होगा हमारा, D less than 0 plus coefficient of x square positive होगा, तो पैराबोला ऊपर आएगा पूरा x axis के. अब इसको further solve करने तो ये 4 common लेके 0 के पास भेज दिया. अब देखना मैं इधर लिख रहा हूँ, ये मेरा हो, चलो इधर रब कर देता हूँ मैं इसको, एक कम करो तुम लोग लिख लेना इसको, तो 4 cancel हो गया, तो ये हो गया a square minus a plus 1 का whole square less than 0. तो इधर से मेरा है, अब मैं वो फॉर्मूला लगा लेता हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा a प्लस वन इंटू ए माइनस वन लेस देन जीरो. तो इधर से आया 2a, 2a प्लस वन इंटू, और ये बचा माइनस वन लेस देन जीरो. अब क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो दिस विल बी 2a प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन जीरो. क्या किया हमने, इधर मल्टीप्लाई किया माइनस वन से, तो इधर से मेरा क्या आया, a ग्रेटर देन माइनस वन बाई टू, सो दिस इज माय सेकंड इनइक्वालिटी का आंसर. अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, मेरा फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो a ग्रेटर देन माइनस हाफ, a ग्रेटर देन माइनस वन, तो ऑफ कोर्स इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, एक तो है माइनस हाफ से बड़ा और एक माइनस वन से बड़ा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस हाफ से बड़ा. सो फाइनल आंसर लिख रहा हूं मैं, देखो आंसर इज a belongs to minus 1 by 2 से infinity. This is the answer. हमें a की range निकालनी थी, a की values निकालनी थी, such that वो जो expression था, I will not say quadratic, I'll say that expression should be greater than 0 for all x belongs to R. तो a की value, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अब इस interval में a की कोई भी value उठा लो, let's say मैंने 0 ही उठा ली, या फिर 1 उठा ली, 2 उठा ली, there are infinite values in this interval, वो values तुम उस expression में रखो, clear है? तो देखना पक्का वो जो पैराबोला आएगा दैट विल बी अबव एक्स एक्सिस, क्योंकि वही तो हमने किया है. समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, वेरीफाई करने के लिए एक आध वैल्यू रख के देख लो, इस इंटरवल की कोई वैल्यू ले लो, लेट्स से a इज इक्वल टू 0 इस इंटरवल में आ रहा है, a इज इक्वल टू 0 से एक्सप्रेशन में रखो, देन यू विल सी द वो जो क्वाड्रेटिक आएगा ना पक्का उसका d नेगेटिव आएगा और पैराबोला अपवर्ड होगा, तो वो पूरा अबव एक्स एक्सिस आएगा. क्लियर है बच्चों? चलो अब हम मूव करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे. तो मैं इसको रब कर रहा हूं, तुम लोग वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो. चलो क्वेश्चन सेकंड का भी मैं डाटा लिखूंगा केवल, ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं. एक तो लिखा था कि एक क्वेश्चन थी हमारी 4a x स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, इसका रूट है एक अल्फा, ठीक है, और दूसरी क्वेश्चन दे रखी थी मेरी 5a x स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसका एक रूट दे रखा था बीटा, ठीक है ना, एक तो ये दे रखा था, फिर पूछा, फिर बोला था देन प्रूव दैट द इक्वेशन। अब एक दूसरी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो विल हैव अ रियल रूट बिटवीन अल्फा, तो इसका इसमें बोला था कि जो इसका रूट है ना दैट विल लाई बिटवीन दैट मस्ट बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा और बीटा के बीच में आना चाहिए, या हाँ यही है, विल हैव रियल रूट बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो चलो इसका डिस्कशन करते हैं। तो मैंने बोला एक मिनट के लिए ये चीज, ये ऊपर वाला डाटा बोल रहे हैं, फर्स्ट फोकस क्या पूछा है उसने। तो देखो उसने बोला है कि ये जो क्वाड्रेटिक है इसका रूट अल्फा और बीटा के बीच में आना चाहिए। अब रिकॉल करो हमने जो साइन ऑफ क्वाड्रेटिक में पढ़ा था सेकेंड वाला पॉइंट जिसमें एफ के वन इंटू एफ के टू नेगेटिव था, वो क्या था बेसिकली, क्या था कि हमारा के वन के टू के बीच में अगर एग्जैक्टली एक रूट आएगा, के वन के टू के बीच में अगर एग्जैक्टली एक रूट आएगा तो एफ के वन इंटू एफ के टू नेगेटिव होता है। क्या बोला मैंने, जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था, एफ के वन इंटू एफ के टू लेस देन जीरो हुआ, तो इसका मतलब क्या था, एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन के वन एंड के टू, लिख लो इधर, एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन के वन एंड के टू, इसका इंटरप्रिटेशन ये था, ठीक है। अब इसी को इससे रिलेट करो, लेट्स से मैं इसको अगर एफ ऑफ एक्स बोल रहा हूं, सम एक्सप्रेशन ऑफ एक्स, तो बेसिकली क्या बोल रहा है, के वन की जगह मेरा अल्फा आ रहा है, के टू की जगह बीटा आ रहा है। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा, अगर मैंने प्रूफ कर दिया नेगेटिव है, तो मेरा क्या प्रूफ हो जाएगा कि जो एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, उसका एक रूट पक्का अल्फा और बीटा के बीच में आएगा, एग्जैक्टली एक ही रूट आएगा। और वही उसने पूछा है कि प्रूव दैट इस क्वाड्रेटिक का, इस क्वाड्रेटिक का एक रूट अल्फा और बीटा के बीच में आएगा। तो हम अल्फा को क्या बोल रहे हैं, केवल बीटा को के टू, तो क्या अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, फाइनली ये प्रूफ करना है, दिस वी हैव टू प्रूफ, वी हैव टू प्रूफ, ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। और डाटा कौन सा यूज करना है प्रूफ करने की मदद के, प्रूफ करने के लिए, ये वाला डाटा, क्लियर है, यहां तक क्लियर हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, वो साइन ऑफ क्वाड्रेटिक में जो पढ़ा था एफ के वन इंटू एफ के टू नेगेटिव होता है, तो एक्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन के वन एंड के टू, तो वही चीज है, ठीक है। वैसे ये वाला जो है ना वो लोकेशन ऑफ रूट में अभी, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें दोबारा रिवाइज होगा तुम्हारा, सेम चीज। चलो तो मैं इसको रब कर रहा हूं, इसके आगे प्रोसीड कर रहा हूं, तो इसको लिख लेना तुम लोग। मैंने बोला कि अब क्या करना है मुझे, एफ अल्फा इंटू एफ बीटा मेरा टारगेट है, प्रूफ करना है कि वो जो है दैट मस्ट बी लेस देन जीरो। तो पहले मैंने जो मेरा एफ एक्स था, था क्या एफ एक्स, ए एक्स स्क्वायर, चलो मैं इधर लिख रहा हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको मैंने एफ एक्स बोला। तो अब मैंने बोला एफ ऑफ अल्फा होगा क्या, तो एफ ऑफ अल्फा इज एक्स ही अल्फा रख दो इसमें, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, ठीक है, अच्छा। और एफ बीटा क्या होगा मेरा, एफ बीटा विल बी ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी, यहां तक क्लियर है, अच्छा। अब मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट प्रूफ करना है कि वो नेगेटिव है। अब मैं इंफॉर्मेशन यूज कर रहा हूं ये वाली, क्या है देखो, अल्फा अगर इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो क्या आ जाएगा मेरा, फोर ए अल्फा स्क्वायर माइनस बी अल्फा माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, तो वैसे बी अल्फा प्लस सी कितना आ गया, फोर ए अल्फा स्क्वायर। तो लेट्स से मैंने इसको इक्वेशन वन बोल दिया, दिस इज फोर ए अल्फा स्क्वायर, क्लियर है, अच्छा। और दूसरी इक्वेशन से भी इंफॉर्मेशन यूज करें, कैसे, बीटा अगर इसका रूट है तो बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, फाइव ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो इससे मेरा माइनस बी बीटा माइनस सी की वैल्यू कितनी आ गई, फाइव ए बीटा स्क्वायर। देखना बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अच्छा क्वेश्चन है ये, मेंस लेवल के लिए तो काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन माना जाएगा, एडवांस में भी यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चन, एडवांस का बोलूंगा मीडियम लेवल है और मेंस के लिए हाई लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब देखना, अब क्या किया मैंने, इस एफ ऑफ अल्फा को ध्यान से देखो, एफ ऑफ अल्फा को इतने पार्ट को बी अल्फा प्लस सी की वैल्यू इधर से फोर ए अल्फा स्क्वायर इधर उठा के रख दी, बी अल्फा प्लस सी फोर ए अल्फा स्क्वायर इधर रख दी, तो फाइनली फोर ए अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5a अल्फा स्क्वायर, ये हो गया मेरा। सिमिलरली f बीटा की देखते हैं, तो f बीटा में देखो b बीटा प्लस c, इधर से मेरा b बीटा प्लस c क्या हो जाएगा, अगर मैंने ऐसे लिखा इस इक्वेशन को, b बीटा प्लस c माइनस 5a बीटा स्क्वायर, तो अब मैं वो उठा के इधर रख देता हूं, तो माइनस 5a बीटा स्क्वायर
प्लस ए बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस फोर ए बीटा स्क्वायर। एफ अल्फा और एफ बीटा आ गया मेरा, अब इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं हम। तो मैंने लिखा एफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू, तो इन दोनों का प्रोडक्ट लूंगा तो क्या आएगा माइनस ट्वेंटी ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख रहा हूं माइनस ट्वेंटी ए अल्फा बीटा का स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो ये तो स्क्वायर ऑफ समथिंग है, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, माइनस ट्वेंटी से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया नेगेटिव, तो मेरा इससे क्या प्रूफ हो गया एफ अल्फा इंटू एफ बीटा इज लेस देन जीरो, हैंस प्रूफ। वही तो मुझे प्रूफ करना था, अगर एफ अल्फा इंटू एफ बीटा लेस देन जीरो इसका मतलब क्या है, उस एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो जो क्वाड्रेटिक थी एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, इस क्वाड्रेटिक का एग्जैक्टली एक रूट अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेगा, वही हमें प्रूफ करना था। क्लियर है बच्चों, समझ में आया? चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ तो अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक दैट इज लोकेशन ऑफ रूट। तो तुम लोग लिख लो इसको टॉपिक का नाम लोकेशन ऑफ रूट, दिस इज अवर लास्ट टॉपिक इन क्वाड्रेटिक, लोकेशन लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, मतलब ये बोल सकता हूँ सबसे टफ टॉपिक है ये, सबसे टफ टॉपिक है पूरे क्वाड्रेटिक चैप्टर का, टफ इन द सेंस इसमें हमें थोड़ा एनालिसिस ज्यादा लगता है, ज्यादा दिमाग खर्च होगा। ठीक है, बट अगर हम सीक्वेंस वाइज चैप्टर, अगर तुमने अभी तक जितने भी लेक्चर्स अच्छे से देखे होंगे हर एक चीज को क्रिस्टल क्लियर होगा कंसेप्ट, तो ये भी तुम्हारे लिए आसानी रहेगा। ठीक है ना, बट हाँ ये है कि थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व होता है, मतलब दिमाग इन्वॉल्व होता है ज्यादा। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। देखो पहली बात तो क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे, ये है क्या टॉपिक पहले वो समझ लेते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा एक क्वाड्रेटिक लिखा, उसमें एक पैरामीटर डाल दिया लेट्स से ए, जैसे अभी हमने लिखा था इससे पहले जो क्वेश्चन था हमारा, तो मैंने लिख दिया लेट्स से ए, चलो ऐसे लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इंटू एक्स प्लस फाइव ए, ये लिखा मैंने, दिस इज माई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना, अब क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे कि वी हैव टू लेट्स से क्वेश्चन बना कि फाइंड वैल्यू ऑफ ए सच दैट इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं दैट शुड बी लेस, बोथ द रूट शुड बी लेस देन थ्री, ऐसे दे दिया मैंने। क्या बोला, ए की वैल्यू निकालो सच दैट दिस क्वाड्रेटिक विल हैव बोथ द रूट्स ग्रेटर देन थ्री। तो इसका मतलब क्या है, दोनों रूट थ्री से बड़े आने चाहिए, तो इस टाइप का कुछ तो सिनेरियो होगा। ठीक है, लेट्स से अगर ये थ्री है इस टाइप का सिनेरियो हो सकता है। क्लियर है, तो कहने का मतलब कि हो क्या रहा है, जैसे देखो ए की अलग अलग वैल्यू के लिए एक, जैसे लेट्स से ए की वैल्यू जीरो ली मैंने तो एक क्वाड्रेटिक बना। ठीक है, फिर मैं ए की वैल्यू चेंज करूंगा तो क्या होगा, बेसिकली क्वाड्रेटिक चेंज हो जाएगी, बिकॉज क्वाड्रेटिक इस पर डिपेंड कर रहा है ए पे। तो मैंने लगा ए की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये विल गेट डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेटिक, डिफरेंट क्वाड्रेटिक मिलेगा मतलब रूट्स का पोजीशन चेंज होगा, रूट्स चेंज होंगे। तो यही है क्वेश्चन कि ए की वैल्यू इस प्रकार निकालो कि सच दैट बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन थ्री। ठीक है, तो इसका मतलब लेट्स से मैंने सॉल्व करने पे ए, ए मेरा आया लेट्स से टू से फाइव आया, इसका मतलब क्या होगा, टू से फाइव के लिए बीच में कोई भी ए ले लो तुम, लेट्स से 2.5 2.6 3 4 4.5 वो इसमें रखोगे क्वाड्रेटिक मिलेगा, फिर उसके जब रूट्स निकालोगे तो पक्का दोनों रूट्स तीन से बड़े आएंगे। क्लियर हुआ क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे, ये तो एक एग्जांपल था पर्टिकुलर, ऐसे हमें दो चार केस पढ़ने हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने एक बार और, मैंने बोला कि ये जो क्वाड्रेटिक है इसमें क्या करेगा, वो एक पैरामीटर डाल देगा, जैसे ए इज अ पैरामीटर, मतलब ए की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए आई विल गेट डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेटिक, डिफरेंट क्वाड्रेटिक मतलब क्या हुआ डिफरेंट रूट्स। तो वो इस टाइप से देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 3, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट बोथ द रूट्स आर लेस देन 3, या फिर वो ऐसे बोल देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट 3 इज लाइंग बिटवीन द रूट्स, तो 3 जो है हमारा रूट्स के बीच में आना चाहिए। क्लियर है, इस टाइप के सिनेरियो होंगे हमारे। ठीक है, अच्छा तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें चार पांच केस पढ़ने हैं, और जिसमें भी जो हम स्टार्ट करेंगे केस वन और केस टू से, केस वन से वो हमने ऑलरेडी साइन ऑफ क्वाड्रेटिक में देख चुका है, और अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा मेरे लिखने पे, तो हम उसके बारे में तो ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी हो चुका है तो, बट मैं बता दूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और एक दो एग्जांपल कर लेंगे हम। तो देखना केस वन क्या है हमारा, केस वन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है ना, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन बनते, देखना अभी आखिरी तक पहुंचेंगे ना, तो देन यू विल रियलाइज कि हाँ सर सही बोल रहे थे कि बहुत मतलब बहुत दिमाग खर्च होगा। केस वन इज के एक नंबर ले लिया, के इज लाइंग बिटवीन द रूट्स। ठीक है, अच्छा अब देखो इसका मतलब क्या है,
इसने बोला है k कांस्टेंट है, k इज अ सम नंबर, उसने बोला है कि k जो है, लेट्स से k की जगह मैंने 2 ले लिया और एक क्वाड्रेटिक लिख लिया और बोला कि फाइंड द वैल्यू, और उस क्वाड्रेटिक में एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर क्या बोलेगा वो, a की वैल्यू निकालो सच दैट 2 इज लाइंग बिटवीन द रूट्स, तो k मेरा हो जाएगा 2। अच्छा अब देखो, जब इसने बोला बिटवीन द रूट्स, मतलब रूट्स की बात, दिस मींस लिख लेना, दिस मींस वी आर, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट रियल रूट्स, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट रियल रूट्स। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जब उसने बोल दिया कि k जो है वो रूट्स के बीच में आना चाहिए, मतलब k जो है वो एक रूट से बड़ा होना चाहिए, एक रूट से छोटा होना चाहिए। देखो अभी तुम आगे जाके कॉम्प्लेक्स नंबर में भी स्टेटमेंट दूंगा मैं कि जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं ना, उन उधर इनइक्वालिटी इनवैलिड होती है। मतलब इसका मतलब क्या है, वी कैन नॉट कंपेयर द इमेजिनरी नंबर्स, मतलब कहने का मतलब ऐसे नहीं लिख सकता 2 इज लेस देन 3 प्लस 5i, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, वी कैन नॉट कंपेयर इमेजिनरी नंबर्स, क्लियर है। अब इसने बोला बिटवीन द रूट्स, उसने बोला कि k जो है एक रूट से छोटा होना चाहिए, एक रूट से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो डेफिनेटली रूट्स रियल होंगे क्योंकि इमेजिनरी से तो मैं कंपेयर कर नहीं सकता ना k को, क्योंकि वी कैन नॉट कंपेयर इमेजिनरी नंबर्स। आई होप क्लियर हो गया होगा ये चीज। चलो अब सुनना, अब रिकॉल करो साइन वाले में, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में जो पहला स्टेटमेंट था हमारा क्या था कि k इज बिटवीन द रूट्स। देखो हमने क्या किया था, जब साइन ऑफ क्वाड्रेटिक पढ़ा था तो उधर मैंने 3 केसेस से स्टार्ट किया था। चलो एक बार रिकॉल करते हैं, मैंने बोला पहला केस था d इज ग्रेटर देन 0, फिर हमने देखा था d ग्रेटर देन 0 होते हैं उसमें 3 सिनेरियो होते हैं, afk ग्रेटर देन 0 आउटसाइड द रूट्स, afk लेस देन 0 बिटवीन द रूट्स, और afk 0 एट रूट्स, ठीक है। और जो बाकी दो केस थे दैट इज फॉर d नेगेटिव एंड d इक्वल्स टू 0, उधर हमेशा afk क्या होता था, ग्रेटर देन 0 होता था या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू बोल लो, बट afk नेगेटिव केवल और केवल केस 1 में होता था, दैट केस करस्पोंड्स टू d ग्रेटर देन 0, मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के करस्पोंडिंग था। फिर हमने देखा था, क्या देखा था, afk ग्रेटर देन 0 मैंने बोला, और जब मैंने लिखा था कि afk नेगेटिव होगा दिस इंप्लाइज कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, और फिर मैंने एक और स्टेटमेंट ऐड किया था आल्सो k इज लाइंग बिटवीन द रूट्स, तो वही सिनेरियो है, ये रहा मेरा, दिस इज द ओनली सिनेरियो पॉसिबल, या फिर डाउनवर्ड पैराबोला, वन एंड द सेम थिंग, कंडीशन सेम आएगी, मैंने बोला ये ले लो चाहे ये ले लो, दिस एंड दिस आर द सिनेरियोस फॉर दिस पर्टिकुलर केस, k इज लाइंग, लेट्स से दिस इज द रूट अल्फा, दिस इज द रूट बीटा, ये रूट अल्फा है और ये रूट बीटा है, तो देखो k इज लाइंग बिटवीन द रूट्स, ठीक है। अच्छा तो कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, के ए इज हियर इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक काम करो इधर पहले लिख लो, वी आर टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक, दैट इज ए एक्स स्क्वायर, इसको लिख लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज माई एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, एंड वी आर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट, ए इज नॉट इक्वल टू 0, फर्स्ट मेंशन दैट वी आर टॉकिंग, वट एवर वी आर टॉकिंग नाउ दैट इज विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छा चलो, तो मैंने क्या बोला, ए इंटू एफ ऑफ के शुड बी नेगेटिव, इसको मैं सॉल्व करूंगा फिर वैल्यू निकाल लूंगा, एग्जैक्टली अभी तुम्हें बहुत ज्यादा क्लियरिटी कैसे आएगी जब हम एक क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना। अभी के लिए मैंने अभी के लिए देखो समझना तो है ही बट रटना भी है, रटना मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अभी एक केस है, चलो ठीक है, अभी 4-5 केस हो जाएंगे फिर तुम्हें कंफ्यूजन होगा, ठीक है ना, तो रटना है बट समझ के, ऐसे बोल, ऐसे बोल करेक्ट स्टेटमेंट, रटना है बट समझ कर, ब्लाइंडली नहीं रटना है, ठीक है। तो मैंने बोला ए एफ के नेगेटिव होगा इफ के इज लाइंग बिटवीन द रूट्स, इसमें मुझे और कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डी ग्रेटर देन जीरो लगाने की इसलिए जरूरत नहीं है, हमें पता है कि ए एफ के नेगेटिव का होता है ओनली फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, तो उसमें तो डी ग्रेटर देन जीरो होता ही है, तो डी ग्रेटर देन जीरो होता है तो ये केस आएगा, ये केस आएगा, इसने कवर, इसने क्या कर दिया कवर, के इज लाइंग बिटवीन द रूट्स, क्लियर है। चलो तो वीडियो पॉज करो, कॉपी कर लो, मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ तो थोड़ा और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। चलो तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, केस वन इज के इज लाइंग बिटवीन द रूट्स, उसके लिए कंडीशन क्या होगी, ए इंटू एफ ऑफ के शुड बी नेगेटिव, ठीक है। चलो देखो एक्चुअली क्या है ना, जो हमने साइन ऑफ क्वाड्रेटिक में पढ़ा था ना उसका जस्ट रिवर्स किया है, ध्यान से सुनो, तो ध्यान से देखो, तो क्या बोला मैंने, उधर हमने क्या किया था, हमने डी ग्रेटर देन जीरो, उधर हमारा सिनेरियो ऐसे था, हमारा के इधर था, पैराबोला ऐसा था, तब मैंने क्या बोला था इसके लिए ए एफ के, मतलब ऐसे सॉरी, मैंने बोला ऐसा कंडीशन दिया है अगर ए एफ के नेगेटिव है, सुनना, इफ दिस देन, सुनना ध्यान से, देन सिनेरियो इज दिस, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, इधर क्या हो गया, जस्ट रिवर्स चीज हो गई, रिवर्स कैसे हुई, अब मैं बोल रहा हूं ये सिनेरियो है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट के इज लाइंग बिटवीन द रूट्स, अब मैं बोल रहा हूं इफ दिस देन दिस, अब उल्टा हो गया, अब ये इफ पे आ गया
देन पे ये आ गया, जस्ट उल्टी चीज हो गई है, एग्जैक्टली वही चीज, बट उसको उल्टी तरीके से बोल रहा है। मैंने इधर क्या लिखा, के इज लाइंग बिटवीन द रूट्स, ये मेरा अल्फा है, ये बीटा है, ये मेरा सिनेरियो है, इफ दिस देन कंडीशन इज दिस। उधर हमने उल्टा किया था, हमने उधर ये दे देते थे, फिर हम बोलते थे रूट्स इज, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड ऑल्सो के इज लाइंग बिटवीन द रूट्स। अब शायद ज्यादा क्लियरिटी आ गई होगी, आई होप, ठीक है। नहीं आई तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, क्वेश्चन से 100% आ जाएगी, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ट्रस्ट मी, बहुत मजेदार क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, देखना, फाइंड ए, फाइंड स्मॉल ए इफ थ्री लाइज बिटवीन, इफ थ्री लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ ए प्लस फोर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ए एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो हमें निकालना है ए की वैल्यू, ए इज अ पैरामीटर, ए की अलग अलग वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक अलग बनेगा, और क्वाड्रेटिक अलग बनेगा इसका मतलब उस क्वाड्रेटिक के रूट्स अलग अलग होंगे। मैंने क्या बोला कि देखो सिनेरियो क्या हो रहा है, थ्री इज लाइंग बिटवीन द रूट्स, जैसे ये थ्री नंबर है। मैंने क्या बोला कि देखो पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, उसने बोला कि ए थ्री इज लाइंग बिटवीन द रूट्स, तो फेवरेबल तो ये है, दिस इज द फेवरेबल। और एक और सिनेरियो बता रहा हूं, ये थ्री है, जस्ट उल्टा हो गया पैराग्राफ। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट दीज टू आर द ओनली फेवरेबल ग्राफ्स, इनके करस्पॉन्डिंग मुझे कंडीशन लिखनी है, ठीक है। याद है हमें कंडीशन ए एफ के नेगेटिव है, वो तो ठीक है, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं एक बार कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि मतलब आंसर जैसे मान लो मेरा इसका सॉल्व करने पे आया ए बिलोंग्स टू लेट्स से 1 से लेके 5 तक, इसका मतलब क्या है, इस इंटरवल में कोई भी तुम एक ए की वैल्यू ले लो, लेट्स से ए इज इक्वल टू 2 ली मैंने और 2 इसमें तुम रख दो, तो इससे क्वाड्रेटिक मिलेगा। तो फिर तुम देखोगे उस क्वाड्रेटिक का जब ग्राफ प्लॉट करोगे ना, तो पक्का इन दोनों में से एक सिनेरियो हो रहा होगा 100%। मतलब अगर तुमने ए की वैल्यू 2 इसमें रखी, तो लेट्स से उसके रूट्स आए लेट्स से माइनस 2 एंड 6, तो 3 इज लाइंग बिटवीन द रूट्स, क्लियर है इंटरप्रिटेशन ये। तो अब कंडीशन लगाना, अभी हमें याद तो ही मैंने डिस्कस कर ही लिया है क्वार्टर, अब हमें कंडीशन क्या लगाना है, ए एफ के इज नेगेटिव, ए एफ के नेगेटिव होगा तो क्या होगा, के इज लाइंग बिटवीन द रूट्स। तो इधर मेरा के का काम कौन करेगा, क्या था हमारा, के इज लाइंग बिटवीन द रूट्स, इधर क्या बोला है, थ्री लाइज बिटवीन द रूट्स, तो के का काम क्या करेगा, थ्री। तो हमारी कंडीशन क्या थी, ए इंटू एफ ऑफ के शुड बी नेगेटिव, इधर ए का काम कौन करेगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट व्हिच इज ए प्लस फोर, और के मैंने बोल ही दिया थ्री है, तो बस इधर इससे क्या होगा हमारा, ए में एक इनइक्वालिटी बन जाएगी, तो हम सॉल्व कर लेंगे, ए का एक सेट आ जाएगा पूरा, उस सेट में से कोई भी ए की वैल्यू उठा के इसमें रखो, पक्का उस क्वाड्रेटिक का रूट के बीच में थ्री आएगा 100%, क्लियर है। चलो तो मैं इसको रख देता हूं, तो ए की जगह रखा मैंने ए प्लस फोर इंटू एफ ऑफ के, एफ ऑफ के क्या, एफ ऑफ के की जगह मतलब एफ ऑफ थ्री, तो एफ ऑफ थ्री क्या होगा, दिस इज माई एफ एक्स, दिस इज माई एफ एक्स, तो एफ ऑफ थ्री क्या हो जाएगा, एक्स की थ्री रख देता हूं, तो थ्री थ्री इज़ नाइन, नाइन इंटू ए प्लस फोर माइनस थ्री ए इंटू एक्स, एक्स इज थ्री क्योंकि एफ ऑफ थ्री निकाल रहे हैं ना, हाँ एफ ऑफ थ्री प्लस फाइव, दिस शुड बी लेस देन जीरो। चलो आगे देखते हैं, इधर से आए ए प्लस फोर इंटू नाइन ए प्लस नाइन फोर ज थर्टी सिक्स माइनस नाइन ए प्लस फाइव लेस देन जीरो, तो ये नाइन ए माइनस नाइन ए कैंसिल, और 35 प्लस 36 प्लस 5 विच इज 41 विच इज अ पॉजिटिव नंबर, उसको जीरो के पास भेज दिया, तो फाइनली वी आर लेफ्ट आउट विद ए प्लस 4 ग्रेटर देन जीरो, तो इससे क्या आया, ए ग्रेटर देन माइनस 4, सो दिस इज माय आंसर। इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि ए की माइनस 4 से कोई भी बड़ी वैल्यू ले लो, लेट्स से माइनस 2 वो इसमें रखो, फिर जब तुम रूट्स निकालोगे तो पक्का जो रूट्स होगा ना उनके बीच में 3 आएगा, एक एग्जांपल के तौर पे, चलो एक वेरीफाई कर लेते हैं। मैंने बोला इस इंटरवल के लिए लेट्स से ए की वैल्यू एक मैंने ले ली, जीरो ही ले ली क्योंकि जीरो इसको सेटिस्फाई कर रही, थोड़ा सिंपल हो जाएगा एक्सप्रेशन हमारा। मैंने बोला लेट ए इज इक्वल टू जीरो, हम वेरीफाई कर रहे हैं कि जो ए की वैल्यूज आई, एक वैल्यू रख के देखते हैं कि सही में थ्री इनके जो क्वाड्रेटिक बनेगा, थ्री उसके बीच में आएगा कि नहीं, उस क्वाड्रेटिक के रूट्स के बीच में, वो देख रहे हैं। तो मैंने बोला लेट ए इज इक्वल टू जीरो, तो इससे क्या बना, फोर एक्स स्क्वायर और ये जीरो प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। एक मिनट, लेट मी वेरीफाई इट, ए इज ग्रेटर देन माइनस फोर, तो माइनस फोर से बड़े के लिए ए की वैल्यू मैं जीरो ले सकता हूँ बिल्कुल, तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव
इक्वल्स टू जीरो, तो इससे मेरे रूट्स तो ए एफ के, एक मिनट एक मिनट, ए प्लस फोर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो. फाइंड ए इफ थ्री लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ दिस. तो मेरा ए प्लस फोर इंटू एफ ऑफ थ्री शुड बी नेगेटिव, ए इज ग्रेटर देन माइनस फोर. तो माइनस फोर, ए की वैल्यू मैंने अगर जीरो रखी, ए ग्रेटर देन माइनस फोर मतलब जीरो रख सकता हूँ, करेक्ट है. तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो, तो इससे मेरे रूट्स कितने आए, एक्स इज इक्वल टू इमेजिनरी रूट्स आ गए. तो इमेजिनरी रूट्स आ गए हैं. एक मिनट में वेरीफाई कर लेता हूँ क्वेश्चन, लेट मी वेरीफाई द डाटा. फाइंड ए इफ थ्री लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ दिस. नो नो नो, एक मिनट एक मिनट, ए प्लस लेस देन जीरो, ओके ओके गलत है ना. देखो 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 देखो, इधर मिस्टेक हुआ हमारा. देखो लेस देन जीरो लिखा ना, तो ग्रेटर देन कैसे हो गया, यहाँ मिस्टेक हो गया. सुनो देखो, वेरीफाई कर रहे हैं अपन, यहाँ मिस्टेक हो गया. ए प्लस फोर लेस देन का साइन है, अभी माइनस से थोड़ी मल्टीप्लाई किया, तो ये मैंने साइन गलत लिख दिया. देखो इधर दोबारा देखो, लिखा ए प्लस फोर और ये क्या मेरा 36 प्लस 5 41, वो जीरो के पास भेज दिया, तो लेस देन जीरो. तो मेरा ए का आंसर कितना है, ए लेस देन माइनस 4. मैंने ग्रेटर देन लगाया था इसलिए हमारा गलत आ रहा था. देखा वेरीफाई भी हो गया, ऐसे क्रॉस चेक हो सकता है कि हमने गलत किया या सही किया. तो ए लेस देन माइनस 4. अब माइनस 4 से कोई भी छोटी वैल्यू ले लो, माइनस 4 से कोई भी छोटी वैल्यू ले लो और फिर हम वेरीफाई करते हैं. तो मैंने लिखा लेट इस इंटरवल, ये इंटरवल क्या लिखा है, माइनस इनफिनिटी से माइनस 4. तो इस इंटरवल में मैंने एक ए ले लिया, लेट से ए इज इक्वल टू, अभी मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, ये मेरा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का कंप्लीट, आई एम जस्ट वेरीफाइंग इट एट एटलीस्ट वन पॉइंट. तो ए इज इक्वल टू मैंने ले लिया लेट से माइनस 5, एक मिनट ले लेते हैं. तो माइनस 5 इस इंटरवल में है तो ले सकते हैं. तो माइनस 5 इसमें रखा तो क्या होगा, माइनस 5 प्लस 4 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या हुआ माइनस एक्स स्क्वायर. फिर माइनस 5 इसमें रखोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 3 इंटू माइनस 5 15 एक्स, तो प्लस 15 एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू जीरो. तो अब मैं इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेता हूं. तो पहले क्वाड्रेटिक है ये, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू जीरो. नाउ वील कैलकुलेट इट सूट. तो 15 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर 225 माइनस 4 ए सी, तो प्लस हो जाएगा 4 5 जा 20 अपॉन 2. तो 15 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 245 बाय 2. अब देखना मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये दो रूट्स आ गए अल्फा बीटा, उसके बीच में 3 आएगा. तो देखो अब एक रूट तो मेरा क्या है, 15 प्लस अंडर रूट 245 बाय 2, और एक रूट मेरा है 15 माइनस अंडर रूट ऑफ 245 बाय 2. अब देख लेते हैं इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू देख लेते हैं हम. मैंने बोला 2 अंडर रूट 245 कितना होगा, 15 से थोड़ा ज्यादा 16 से कम, तो 15 पॉइंट समथिंग. तो 15 प्लस 15 पॉइंट समथिंग 30 पॉइंट समथिंग, 30 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 2 15 पॉइंट समथिंग. तो मैंने बोला एक तो मेरा आया 15 पॉइंट समथिंग, लेट्स से 15.5 मान लिया एक मिनट के लिए, ठीक है. दूसरा वैल्यू देखो, ये क्या लिखा है, 15 माइनस 15 पॉइंट समथिंग, और 15 माइनस 15 पॉइंट समथिंग क्या बचा, 0 पॉइंट समथिंग. और 0 पॉइंट समथिंग को वो भी नेगेटिव का, क्योंकि ये वाला मैग्नीट्यूड ज्यादा है, 245 रूट 245 इज ग्रेटर देन 15. तो ओवरऑल ये वैल्यू कितनी आएगी, अराउंड माइनस 0.5 के अराउंड आएगी, ऑलमोस्ट, इससे थोड़ी कमी आएगी, हालांकि लेट्स से 3 मान लिया, बट पक्का 0 और माइनस 1 के बीच में आएगी. अब देखो क्या इनके बीच में ये दो रूट्स आ गए, ये मेरा अल्फा है ये मेरा बीटा है. तो मैंने बोला क्या इन दोनों के बीच में हमारा रूट आ रहा है, वो सॉरी क्या 3 के तो बीच में आ रहा है, हाँ ऑफकोर्स आ रहा है, 3 के बीच में तो आएगा नंबर लाइन पे, इफ आई विल प्लॉट, क्लियर है. तो आई होप समझ में आया होगा मैंने कैसे वेरीफाई किया. ये तो मैंने एक वैल्यू के लिए कर लिया, दैट यू कैन वेरीफाई फॉर अदर वैल्यूज ऑल्सो. लेट्स से ए की वैल्यू तो माइनस 6 रख दो इसमें, दैट इज एक्सेप्टेबल 100%. वो जो क्वाड्रेटिक बनेगा उन दोनों के रूट के बीच में 3 आएगा, नहीं आएगा, क्लियर हो गया. बहुत एम्फसाइज दे दिया मैंने. चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ. तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो. अब देखना इसी क्वेश्चन में थोड़ा, इसी केस वन के ऊपर ही ले रहा हूँ एक और क्वेश्चन, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो जाएगा मेरा. लैंग्वेज चेंज हो जाएगा से मतलब है, क्वेश्चन लिखते हैं. देखो मैंने लिखा फाइंड स्मॉल ए इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 ए माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 7
a माइनस 8 इक्वल टू 0 आर ऑफ अपोजिट साइन, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो पहले क्वेश्चन देखते समझते हैं क्या बोल रहे हैं। उसने बोला कि a की वैल्यू निकालो सच दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर ऑफ अपोजिट साइन। तो जो अभी हमने केस पढ़ा था केस वन दैट इज केस लाइंग बिटवीन द रूट्स, तो ऐसा तो इसमें कुछ भी नहीं दिया, मतलब ऐसा तो बोला नहीं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट 2 इज लाइंग बिटवीन द रूट्स, 3 इज लाइंग बिटवीन द रूट्स, 5 इज लाइंग बिटवीन द रूट्स, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है ये पहली बार। तो इसीलिए मैंने बोला था ये जो टॉपिक है ना इसमें थोड़ा सा दिमाग खर्च होगा। अब क्या होगा ना देखो, अभी तो मैंने एक क्वेश्चन लिया, इसी टाइप के आगे भी क्वेश्चन दूंगा। तुम्हें क्या करना है ना, जैसे हम पहले पांचों केस पढ़ लेंगे, फिर क्या होगा कि जो क्वेश्चन है ना, एक तो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड बनेंगे कि जैसे इससे पहले वाला किया था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट 3 इज लाइंग बिटवीन द रूट्स, तो वो तो डायरेक्ट जो केस का स्टेटमेंट था मेरा एग्जैक्ट वो था, तो जल्दी क्लिक कर गया। लेकिन इस टाइप का सिनेरियो होगा, क्या है ये इंग्लिश लैंग्वेज में स्टेटमेंट है, इसको मुझे मैथमेटिकली कन्वर्ट करना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा कि हाँ ये केस वन की ही बात कर रहा है, या फिर आगे चल के देखेंगे ये केस टू की ही बात कर रहा है। समझ में आया, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट इसमें डायरेक्टली तो नहीं दिया केस वन जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में दिया था। तो अब हम इंटरप्रेट करते हैं जो इंग्लिश दिया ना उसको हम मैथमेटिकल में फॉर्मुलेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो देखना क्या लिखूंगा मैं, देखो रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, तो इससे मैं क्या स्टेटमेंट बोलूंगा, वन रूट इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव, इस चीज का इंटरप्रिटेशन ये हुआ। समझ में आया, उसने बोला रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, तो पक्का क्या हुआ, एक रूट पॉजिटिव होगा एक रूट नेगेटिव होगा, क्लियर है। अच्छा अब देखना ऐसे ही तुम्हें लिखना है, फर्दर इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, मैं बोलूंगा वन रूट इज ग्रेटर देन जीरो अदर रूट इज लेस देन जीरो, तो ये चीज इसमें ट्रांसफॉर्म हो गई मेरी, वन एंड द सेम थिंग। अगर एक पॉजिटिव है तो क्या होगा, वो एक रूट जीरो से बड़ा होगा, एक नेगेटिव है तो एक रूट जीरो से छोटा होगा। अब देखना फाइनल कंक्लूजन, अब मेरा केस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब इससे क्या इंटरप्रेट करूंगा देखना, बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज द मेन स्टेप, वन रूट इज ग्रेटर देन जीरो, वन रूट इज लेस देन जीरो, दैट मींस दिस इंप्लाइज जीरो इज लाइंग बिटवीन द रूट्स। देखो हो गया अब हमारा कन्वर्ट, क्लियर है। तो देखो कैसे मैंने इस इंग्लिश स्टेटमेंट को हमारे केस में कन्वर्ट किया, मैथमेटिकल उसमें कन्वर्ट किया हमने, समझ में आया। तो अल्टीमेटली मेरा के का वैल्यू क्या है, इधर जीरो, हमने क्या लिखा था केस में, क्या लिखा था के इज लाइंग बिटवीन द रूट्स, इधर क्या है जीरो इज लाइंग बिटवीन द रूट्स, तो मेरा क्या कंडीशन लागू होगा, ए एफ के नेगेटिव, वेयर माय ए इज व्हाट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर व्हिच हियर इट इज ए माइनस फाइव, तो ये तो हो गया ए माइनस फाइव, और के की वैल्यू कितनी है जीरो, एफ ऑफ जीरो जीरो नहीं है, के की वैल्यू जीरो है क्योंकि जीरो इज लाइंग बिटवीन द रूट्स। मतलब क्वेश्चन कैसे लिखा है इसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द रूट्स इफ जीरो इज लाइंग बिटवीन द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने इसमें फॉर्मुलेट कर लिया इसको, क्या एक बार और, फाइंड वैल्यू ऑफ ए इफ जीरो इज लाइंग बिटवीन द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ए इंटू एफ ऑफ जीरो लेस देन जीरो, क्लियर है। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, मैं इसके आगे सॉल्व कर रहा हूं, इसको हम एक और अप्रोच से सॉल्व करने वाले हैं, अभी पहले इसको लिख लो। अब देखना, हाँ अब देखो, तो ये हो गया मेरा a माइनस फाइव इंटू एफ ऑफ जीरो, क्या होगा x के लिए जीरो रख दो, तो ये चीज जीरो हो गई, ये चीज जीरो हो गई, ये बचा केवल सेवन ए माइनस एट, दिस शुड बी लेस देन जीरो, ये क्या लिखा है मैंने, दिस इज बेसिकली f ऑफ जीरो। चलो तो अब ये तो मेरा सिंपल वो बन गया इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी, तो इसमें क्या करते हैं हम रूट्स को प्लॉट करते हैं, तो a इज इक्वल टू फाइव, लेट से मेरा यहाँ आएगा, चलो इधर मान लेते हैं फाइव, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है एट बाय सेवन, इसको जीरो करोगे तो क्या आएगा एट बाय सेवन, तो दिस इज एट बाय सेवन ऑन द लेफ्ट ऑफ फाइव। अब ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लेस देन जीरो चाहिए, मतलब ये वाला इंटरवल, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया ए बिलोंग्स टू एट बाय सेवन कॉमा फाइव, दैट्स इट, क्लियर है बच्चों। आप क्या करो वेरीफाई करने के लिए, दैट इज योर टास्क, जस्ट टेक एनी वन ऑफ द वैल्यू इन दिस इंटरवल, मैं वैल्यू बता देता हूँ, लेट्स से वन तो नहीं है टू है, तो ए इज इक्वल टू चलो फोर ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ये एक्स वर्ग का फंक्शन छोटा बनेगा, ए इज इक्वल टू फोर ले लो। अब इस क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक आ जाएगी इस ए इज इक्वल टू फोर के करस्पॉन्डिंग, फिर देखो उस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स है ना उनके बीच में जीरो आ रहा है या नहीं, 100% आएगा, क्लियर है बच्चों। चलो तो अब हम नेक्स्ट केस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो।
अब जो केस टू था हमारा वो भी हम पढ़ चुके साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, उसी टाइप से ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी। हाँ, इसके बाद जो केस होगा वो टोटली हमारे लिए डिफरेंट होगा और बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बट ये जो अब केस टू है दैट इज ऑलरेडी बीइंग कवर्ड इन साइन ऑफ एक्सप्रेशन। केस टू क्या है? इफ एग्जैक्टली वन रूट इज लाइंग बिटवीन, इफ एग्जैक्टली वन रूट इज लाइंग बिटवीन के वन एंड ऐसे लिखो, एग्जैक्टली वन रूट इज लाइंग बिटवीन के वन कॉमा के टू, अरे जरूरी नहीं के वन के टू छोटा, ऐसे लिख लो बिटवीन के वन एंड के टू, अभी बताऊंगा इसका इंटरप्रिट इसका मीनिंग। इफ एग्जैक्टली वन रूट इज लाइंग बिटवीन के वन कॉमा के टू वेयर एंड के वन के टू देमसेल्स आर नॉट द रूट, ये भी लिख लो एंड के वन कॉमा के टू देमसेल्स आर नॉट द रूट्स, ठीक है पहले स्टेटमेंट लिख लो, अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। तो देखो उसने क्या बोला, एग्जैक्टली एक रूट लाई करेगा के वन और के टू के बीच में, ठीक है। तो देखो लेट्स नंबर लाइन पर हमने पहले के वन के टू को प्लॉट कर लिया, लेट्स ये के वन है और ये के टू है, ये के वन है और ये के टू है, मतलब कॉन्स्टेंट होगा कुछ, लेट्स ये टू है ये फाइव है, ठीक है। अच्छा अब उसने बोला इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली एक रूट आना चाहिए, तो मतलब एग्जैक्टली मतलब एक ही रूट आएगा, एग्जैक्टली वन रूट मतलब दिस इज द सिनेरियो। अब मैंने बोला आप सिनेरियो क्या क्या बनेगा, विल ड्रॉ ऑल द पॉसिबल फेवरेबल पैराबोलास, ठीक है। अब देखना मैं कैसे कैसे बना रहा हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ थोड़ा छोटा बनाता हूँ, देखो सिनेरियो देखना, मैं ऑल फॉर ऑल पॉसिबल केसेस ले रहा हूँ, लेट्स से दिस इज के वन दिस इज के टू, इसमें तीन चार सिनेरियो बनेंगे, देखना कैसे। एक मैंने ले लिया ये, दिस इज फेवरेबल, यस दिस इज फेवरेबल, क्यों, क्योंकि एक रूट के वन और के टू के बीच में आ रहा है, दिस इज द रूट। चलो फिर मैंने बोला और फेवरेबल, लेट्स ये के वन है हमारा, ये के टू है, अदर फेवरेबल इज ये रूट था के वन के टू के बीच में, इज इट फेवरेबल, यस दिस इज फेवरेबल, क्योंकि एक रूट के वन और के टू के बीच में आ रहा है। अब इन्हीं को क्या कर दिया, पलट दिया, सॉरी मैंने चाहिए पलट के लिख दिया क्या, पहले ही पलट के लिख दिया, ठीक है ये भी करेक्ट है, बट मैं ऐसे अभी पहले दोनों ही वाले केस ले रहा हूँ अपवर्ड वाले। अब क्या करो, ये हो गया मेरा एग्जैक्टली वन रूट, अब इन्हीं दोनों को पलट के लिख दो, मतलब पैराबोला डाउनवर्ड। तो देखना ये मेरा इंटरवल है, दिस इज के वन एंड दिस इज के टू, एक सिनेरियो ये होगा एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन के वन के टू, और लास्टली ये मेरा के वन है, ये अगर के टू है तो दिस इज अ लास्ट सिनेरियो। इन चार के अलावा कोई और पैराबोला नहीं बनेगा, बना के देख लो, यू जस्ट ट्राई इट कीपिंग दैट इन माइंड कि एग्जैक्टली वन रूट इज लाइंग बिटवीन के वन एंड के टू, ठीक है। अच्छा चलो अब करते हैं, अब मैंने बोला सिनेरियो वन के करस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है, तो देखो के वन पे तो क्या है ऊपर आ रहा है पॉइंट, तो के वन के करस्पॉन्डिंग ये क्या है पॉजिटिव, मतलब एफ ऑफ के वन, कहने का मतलब दिस इज माई, ये वाई एक्सिस होती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये दिस इज एफ ऑफ के वन, के वन पे एफ के वन क्या है पॉजिटिव है, और एफ ऑफ के टू क्या है नीचे आ रहा है एक्स एक्सिस के, तो दिस इज नेगेटिव। सो एफ के वन दिस इज माई एफ के टू, तो एफ के वन एंड एफ के टू आर ऑफ अपोजिट साइन, तो इसको मतलब मैं कैसे लिख सकता हूँ, एफ के वन इंटू एफ के टू इज लेस देन जीरो, ये ऑलरेडी हम देख चुके थे उधर, हालांकि पहले में आ रहा है। चलो उधर मैंने उल्टा देखा था, उल्टा क्या रखा था हमने, चलो पहले इसको कंप्लीट कर लेते फिर मैं बताता हूँ, उल्टा किया था वो मैं थोड़ी दो मिनट बाद बताता हूँ, पहले इसको सुन लेते हैं। सिमिलरली अब इधर देखते हैं, तो एफ ऑफ के वन क्या नीचे आ रहा है पॉइंट, तो नेगेटिव है, और एफ ऑफ के टू क्या आएगा, ये पैराबोला ऐसे जा रहा है, तो एफ ऑफ के टू ऊपर आएगा, तो दिस इज पॉजिटिव, तो अगेन एफ के वन एंड एफ के टू आर ऑफ अपोजिट साइन, तो दिस विल सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। सिमिलरली यू विल सी हियर एफ के वन क्या आएगा नेगेटिव, और एफ ऑफ के टू क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर है, एंड लास्टली हियर एफ ऑफ के वन क्या आएगा पॉजिटिव, और एफ ऑफ के टू क्या आएगा ये आगे जाके ऐसे इंटरसेक्ट करेगा, तो क्या आएगा नेगेटिव। सो इन ऑल द फोर केसेस यू कैन सी एफ ऑफ के वन विच इज फंक्शन का वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू के वन एंड एफ ऑफ के टू विच इज फंक्शन का वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू के टू आर ऑफ अपोजिट साइन, दैट मीन्स उनका प्रोडक्ट इज लेस देन जीरो, दैट मीन्स दिस कंडीशन इज सफिशियंट। अगर मैंने इतना लिख दिया तो यही चार पैराबोला फिल्टर होंगे और ये चार पैराबोला हमारे इस इक्वेशन इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, क्लियर है। तो हमें याद रखना है एफ के वन इंटू एफ के टू नेगेटिव, क्लियर है बच्चों। अच्छा अब मैंने क्या बोला था, जो हमने साइन ऑफ क्वाड्रेटिक में पढ़ा था और इधर पढ़ा था उसमें अपोजिट है, जस्ट अपोजिट इन द सेंस, उधर क्या था हमें ये दिया होता था
ये दिया होता था, फिर हम इंटरप्रेट करते थे कि दिस इज द पॉसिबल ओनली इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड ऑल्सो एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन के वन एंड के टू. इधर क्या किया हमने, जस्ट उल्टा किया. देखो ध्यान से, इफ एग्जैक्टली वन रूट इज लाइंग बिटवीन दिस एंड दिस देन दिस इज द कंडीशन. उधर क्या किया था, ये कंडीशन दी थी, फिर हम स्टेटमेंट पे आ रहे थे. क्लियर है बच्चों? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन साइन ऑफ रूट एंड दिस लोकेशन ऑफ रूट. आई होप क्लियर हो गया होगा. ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो. अब हम इलस्ट्रेशंस लेते हैं. सो क्वेश्चन इज, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखना ध्यान से कैसे हम. और मैंने क्या बोला, डायरेक्टली क्वेश्चन चांसेस कम होते हैं कि डायरेक्टली बोले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पैरामीटर ए सच दैट 2 इज लाइंग बिटवीन द रूट्स. डायरेक्टली ऐसे नहीं देगा वो, थोड़ा सा घुमाएगा क्वेश्चन. कैसे, जैसे अभी पता चलेगा तुम्हें. मैंने लिखा फाइंड ए इफ द इक्वेशन a plus 3 into x square minus 3ax plus 4 equals to 0 if the equation this have roots such that magnitude of one root is less than 2 and that of other is greater than 2 and that of other is greater than 2. तो वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो. बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार. ठीक है, देखना. तो मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट डिस्कस करता हूं. देखना ध्यान से, उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स है ना. देखो इसमें ना एक काम करो, पहले तुम अंडरलाइन कर लो ये वाला वर्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस क्वेश्चन. ये नहीं होता तो सिनेरियो टोटली डिफरेंट हो जाता, वो भी मैं बताऊंगा क्या होता. चले इस क्वेश्चन पे आते हैं. उसने बोला कि ए की वैल्यू निकालो इस प्रकार कि जो मैग्नीट्यूड हो ना एक रूट का मैग्नीट्यूड क्या हो, 2 से छोटा हो, और एक रूट का मैग्नीट्यूड 2 से बड़ा हो. अब आते हैं मैग्नीट्यूड के ऊपर. मैंने बोला कोई नंबर है, लेट्स से मैंने सिंपल ये, चलो ऐसे मैंने बोला मॉड एक्स इज लेस देन 2 होता था, हम इनइक्वालिटी में क्या बोलते थे इसका मतलब. व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस, एक्स इज लाइंग बिटवीन माइनस 2 टू 2. कहने का मतलब इसको, दिस इज इक्विवेलेंट टू एक्स इज लेस देन 2 ग्रेटर देन माइनस 2. क्लियर है? अच्छा, अब ये इसका इंटरप्रिटेशन है. इसका मतलब क्या है कि इस इंटरवेल में जो भी एक्स उठाऊंगा उसका मैग्नीट्यूड 2 से कम आएगा. क्लियर है? मतलब -1.5 उठा लो व्हिच इज इन दिस इंटरवल, उसका मैग्नीट्यूड 2 से कम है. 1.5 उठा लो, उसका मैग्नीट्यूड 2 से कम है. 1.99 उठा लो, उसका मैग्नीट्यूड 2 से कम है. फिर लेफ्ट में आ जाते हैं, -1.9999 उठा लो, उसका मैग्नीट्यूड भी 2 से कम है. तो इसके इस इंटरवल ऑफ x के अंदर जो भी मेरा x आ रहा है ना, दैट विल हैव मैग्नीट्यूड लेस देन 2. तो इसका मतलब ये मेरा -2 है और एक ये 2 है. उसने क्या बोला है कि एग्जैक्टली एक रूट का मैग्नीट्यूड 2 से कम होना चाहिए. इसका मतलब क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या हो गया, एग्जैक्टली एक रूट -2 और 2 के बीच में आना चाहिए. खत्म, यही क्वेश्चन खत्म हो गया. मैंने इसलिए अच्छा बोला क्योंकि ये चीज इसमें बेस्ट पार्ट है, -2 वाली, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात चल रही है ना. देखो क्या हो रहा है, देखना ध्यान से. मैंने बोला कि एक रूट इन दोनों के, उसने बोला एग्जैक्टली एक रूट का मैग्नीट्यूड 2 से कम होना चाहिए. इसका मतलब वो रूट कहां से कहां आना चाहिए, -2 से 2 के बीच में, क्योंकि -2 से 2 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं उन सबका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 2 से कम होता है. तो मैंने बोला एक रूट पक्का इधर आना चाहिए. और दूसरा रूट उसने क्या बोला, दूसरा रूट उसने बोला है कि जो दूसरा रूट है ना उसका मैग्नीट्यूड 2 से ज्यादा होना चाहिए. अब मैग्नीट्यूड 2 से ज्यादा होना चाहिए तो वो ये वाला रीजन भी हो सकता है या फिर ये वाला रीजन भी हो सकता है, क्योंकि इधर भी क्या है मॉड ऑफ, लेट्स से मैं अल्फा बोल रहा हूँ एक रूट, लेट्स से इस वाले रूट को तो मैंने चलो अल्फा बोल दिया, इसको बीटा बोल रहा हूँ. तो इधर भी क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ दैट रूट इज ग्रेटर देन 2 और इस रीजन में भी क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा अदर रूट इज ग्रेटर देन 2. इसका मतलब या तो इधर होगा दूर या ये होगा. तो दोनों सिनेरियो देख लेते हैं हम. तो एक देखो मैं दोबारा बना रहा हूँ, दिस इज माय अल्फा एक रूट, दिस इज माय -2 एंड दिस इज 2. तो एक सिनेरियो हो रहा है मेरा ये वाला, देखना
देखो अब ये फुलफिल कर रहा है, एक रूट माइनस टू टू के बीच में है जिसका मैग्नीट्यूड टू से कम है और एक रूट का मैग्नीट्यूड टू से ज्यादा है, या फिर ये वाली पॉसिबिलिटी मैंने उनका एक मिनट, हाँ ये माइनस टू है ये टू है, तो एक सिनेरियो ये हो गया। तो देखो एक रूट का मैग्नीट्यूड टू से कम है क्योंकि इनके बीच में जो भी नंबर्स होंगे माइनस टू और टू के बीच में इस इंटरवल में क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा क्या होगा दैट शुड बी लेस देन टू, तो और एक रूट का मैग्नीट्यूड टू से बड़ा, सो दिस इज माई फेवरेबल। या फिर इनको उल्टा कर दो पैराबोला का, इस पैराबोला को उल्टा कर दो तो हमारा क्या हो जाएगा ये पलट जाएंगे बस, तब भी क्या होगा एक रूट माइनस टू टू के बीच में आएगा और एक रूट बाहर आएगा माइनस टू के। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या होगा, ये केस हमारा केस टू में कन्वर्ट हो गया बेसिकली। देखो डायरेक्टली तो उसने नहीं बोला था ये फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट इसके जो रूट्स हैं दैट इज लाइन बिटवीन माइनस टू एंड टू, वो जो स्टेटमेंट है ना द रूट्स आर लाइन बिटवीन माइनस टू एंड टू उसको तो मैंने फ्रेम किया विद द हेल्प ऑफ दिस मैग्नीट्यूड ऑफ वन रूट इज लेस देन टू, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट, इसी का मेन काम था, क्लियर है। तो फाइनली मैं रब कर रहा हूं इसको और तुम लोग कॉपी कर लो फिर मैं लिखता हूं उसको, फाइनल सॉल्व करते हैं, ये डायग्राम जरूर बना लेना ठीक है। अब मैंने बोला अब लास्टली हम क्या करें, अब मैंने ये किसमें कन्वर्ट हो गया हमारा क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो गया कि एग्जैक्टली वन रूट इज लाइन बिटवीन माइनस टू टू टू, लिख लो उसको पहले ये लिख लो मैग्नीट्यूड ऑफ वन रूट इज लेस देन टू दिस इंप्लाइज, और फिर वो डायग्राम वगैरह बना लेना, फिर लिखना दिस इंप्लाइज एग्जैक्टली वन रूट इज लाइन बिटवीन माइनस टू एंड टू। तो इसका मतलब क्या हो गया एफ ऑफ के वन विच इज माइनस टू इंटू एफ ऑफ के टू विच इज टू दैट शुड बी नेगेटिव, रख लेते हैं एफ ऑफ माइनस टू क्या होगा इसमें माइनस टू रखेंगे एक्स के, क्योंकि दिस इज माई एफ एक्स, तो जो हो जाएगा ए प्लस थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वायर विच इज फोर माइनस थ्री ए इंटू माइनस टू प्लस फोर, दिस इज वॉट माई एफ ऑफ माइनस टू नाउ एफ ऑफ टू, तो ए प्लस थ्री इंटू टू का स्क्वायर विच इज अगेन फोर माइनस थ्री ए इंटू टू प्लस फोर, दिस शुड बी नेगेटिव। अब और लिख लेते हैं इसको, तो देखो ये हो गया मेरा 4 इंटू ए, चलो एक बार ऐसे लिख लेते हैं 4a ए प्लस ट्वेल्व और ये 3 टू द 6 बट नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 6a प्लस 4 और ये वाले ब्रैकेट में 4a प्लस 12 और माइनस 6a प्लस 4 इज लेस देन 0 ठीक है। अच्छा दिस 4a प्लस 6a 10a, तो मैं इधर लिख रहा हूँ चलो 10a, इसको रब कर रहा हूँ तुम लोग लिख लेना क्वेश्चन को, देखो चलो इधर ही लिखता हूँ 4a प्लस 6a 10a 12 प्लस 4 16 प्लस 16, अब इधर क्या बचता है 4a माइनस 6a माइनस 2a और 12 प्लस 4 16 अगेन दिस शुड बी लेस देन 0। तो अब मैंने बोला क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, नहीं क्यों, क्योंकि इधर एक का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो पहले इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या किया माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाला पार्ट तो एज इट इज है 10a प्लस 16 और ये हो गया 2a माइनस 16 ग्रेटर देन 0, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, क्लियर है। अब हम रूट्स को प्लॉट कर लेते हैं, तो एक रूट मेरा क्या है माइनस 16 बाय 10 मतलब माइनस 8 बाय 5 माइनस 16 बाय 10 मतलब माइनस 8 बाय 5 और इससे मेरा आएगा 16 बाय 2 दैट इज 8, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्या चाहिए मुझे ग्रेटर देन 0, तो ये वाला इंटरवल आ गया। तो फाइनली माई आंसर इज ए बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 8 बाय 5 यूनियन 8 से इंफिनिटी, दिस इज द आंसर फॉर दिस। तो समझ में आया कितने मजेदार क्वेश्चन बन रहे हैं, डायरेक्टली वो क्वेश्चन नहीं आते हैं कि मतलब समझ में आ रहा है कि मैंने बोला कि टू इज लाइंग बिटवीन द रूट्स, ऐसे नहीं बोला उसने, बहुत उसको अलग फ्रेम में लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फिर हम उसको हमारे केस में कन्वर्ट करना है, ज्यादा क्वेश्चन ऐसे मिले क्वेश्चन तो मैं आगे भी ऐसे मिलेंगे, जैसे मैं अगले अभी आज के लेक्चर को हम अभी एंड अप करते हैं ये दो केस पढ़ के ठीक है, अभी दो तीन केस और बचे हैं ठीक है, उनमें भी मैं क्या करूंगा एक क्वेश्चन तो ऐसे लूंगा कि डायरेक्टली केस के ऊपर ये स्टेटमेंट होगा और एक क्वेश्चन हम देखेंगे कि अलग फॉर्म में देखेंगे लेकिन हम उसको कन्वर्ट करेंगे कि वो केस वन के वो करस्पॉन्डिंग केस के लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, क्लियर है। जैसे कि अभी इधर हुआ क्योंकि इधर भी इसने ऐसा नहीं बोला था कि एग्जैक्टली वन रूट इज लाइन बिटवीन माइनस टू टू टू, नहीं डायरेक्ट नहीं था, उसने बोला था एक का मैग्नीट्यूड टू से कम है और एक का टू से ज्यादा है, उसको हमने कन्वर्ट किया कि एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन माइनस टू एंड टू, आई होप क्लियर हुआ होगा। जैसे इससे पहले वाला भी जो केस था उसमें एक एग्जांपल क्या लिया मैंने रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, उसमें भी उसने ये नहीं बोला था कि जीरो इज लाइंग बिटवीन द रूट्स, क्योंकि केस की जो केस था उसमें तो मेरा ये स्टेटमेंट है ना के इज लाइंग बिटवीन द रूट्स, बट उसने ऐसा नहीं बोला जीरो इज लाइंग बिटवीन द रूट्स, उसने इनडायरेक्ट दिया कि रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, फिर हमने उधर से इंटरप्रेट किया कि जीरो इज लाइंग बिटवीन द रूट्स,
ठीक है, समझ में आया होगा आई होप। तो चलो फिर आज का एंड अप करते हैं, अगर कोई दिक्कत आती है किसी भी पॉइंट में फील फ्री टू आस्क, ठीक है ना, कोई हेजिटेट नहीं करना है, बिल्कुल बिंदास पूछना है। और ये हमारा दो एक लेक्चर और बचे हमारे क्वाड्रेटिक के, ठीक है, उसके बाद फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।